ऐसे हीले शर्म दोस्त, जैसा कि आपने फरमाया मौसीकी हराम है, आप किसी हीले से मौसीकी नहीं बजा सकते, हीला निकाल के नहीं, ये मौसीकी नहीं, म्यूज़िक नहीं। जैसा बहुत से लोग हैं, एक साहब मुझे कहने लगे कि उन्होंने एक नशीद सुनाया, ओ पूरी नशीद में एक से एक चीज़ें बज रही, पूरा दुनिया भर के उसमें ढोल तमाशे और ताश सब बज रहे। तो मैंने कहा यार ये ऐसी कैसी नशीद है, इसमें तो पूरे म्यूज़िक है। तो कहा म्यूज़िक नहीं है बोले। मैंने कहा फिर इसके अंदर नेचुरल वॉइस है बोले। अच्छा मैंने कहा अब ये नया है, मतलब अगर मैं ढोल बजाऊं तो हराम और तू ढोल की आवाज़ निकाले रिकॉर्ड हो तो हलाल, ये कैसा हुआ? इसके पीछे क्या लॉजिक क्या है इसके पीछे? इसलिए कि म्यूज़िक जो इंसान को करती है नुकसान, वो तेरी आवाज़ भी करेंगे, ढोल भी कर रहा है। कोई ढोल देख के तो आदमी नाचता नहीं है ना, आवाज़ सुन के नाचता है ना उसकी, क्या ढोल दिखेंगे तो नाचेगा? लोग टेप रिकॉर्डर जो सुनते हैं उनको कहाँ दिखता है पिक्चर, भी नाच रहे हैं, मदमस्त थे अपने गानों के अंदर, नशा है गाने भी। बहुत से लोग होते हैं वो जगजीत को जब तक सुने नहीं उनको होश नहीं आता है ना, सुबह सुबह लगे हुए रहता घर के अंदर, पड़े हुए रहते हो फजर के बाद, बोले नमाज के बाद 1 घंटा कंपलसरी। एक अजीब बात है ना, वो चल रहा गा रहा हो पीछे वो हारमोनियम चलते रहता, वो म्यूज़िक की आदत है आपको, उस आदमी की आवाज़ आप खाली सुनिए फिर आपको मज़ा नहीं आएगा उसमें, क्योंकि तो हारमोनियम बजता है ना, आप आदि हो गए उस म्यूज़िक के, उसके बगैर क्या होता है आप रह नहीं पाते। कुछ लोगों गाने की आदत है तो उस तरह से होता। तो ये हीले मत तलाश कीजिए याद रखिए। तो हीला क्या निकाला उन्होंने कि नेचुरल वॉइस से बोले आदमियों की। तो मैंने कहा ये तो अच्छा तूने निकाला ना, मतलब एक आदमी अगर बैंजो की आवाज़ निकाले तो बैंजो नहीं बजाए तो हलाल कर लिया तूने उसको। एक आदमी ऑर्केस्ट्रा की ज़रूरत नहीं है, और ऑर्केस्ट्रा अगर मुँह से बजा, चार आदमी खड़े रहे कि एक ढोल बजा रहा मुँह से फिजिकल नहीं, और एक जो है कोई पियानो बजा रहा, और मुख्तलिफ जो ऑर्केस्ट्रा में चीज़ें होती हैं इंस्ट्रूमेंट, तो क्या वो हलाल हो गया? तो ले हाँ हलाल है। मैंने कहा वाह ये हीला है, ये तो हीला है। शरीयत ने आलात को हराम इसलिए करार दिया कि उनसे निकलने वाली मौसीकी इंसान को अल्लाह के जिक्र से दूर करती है। अब तो मौसीकी मुंह से निकाल कर ये कहोगे ये दुरुस्त है, तो क्या मतलब लॉजिक नहीं है उसके पीछे। और फिर वोकलिस्ट आर्टिस्ट निकले फिर नए, वो क्या करते हैं मुंह से पूरी म्यूजिक बजा लेते, उनको इंस्ट्रूमेंट की जरूरत ही नहीं। और मैंने देखा है बस एक आर्टिस्ट है यूनाइटेड स्टेट्स का, वो 142 इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ निकालता है अपने मुंह से, और एक वक्त 20-25 इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ निकालता है एक वक्त में एक ही साथ, जब वो मुंह से इतनी आवाज़ें निकालता है जैसे 25 इंस्ट्रूमेंट एक साथ बज रहे हों, मतलब अगर वो अकेला खड़ा है तो पूरा कॉन्सर्ट हो जा सकता बगैर पीछे म्यूजिशियन की, इतनी अच्छी। और वो कई जगह हालांकि मुस्लिम है वो, लेकिन चर्चेस में जाता है और उनके कॉन्सर्ट्स में जो है वो जहाँ ढोल सस्ता वाला जो कौन जो उनके तक कॉस्ट नहीं होती कि, तो जब लाभ बुलाते हैं ढोल ताशे वाला बहुत कॉस्टली होता है याद रखिए, तो वो उसको बुला लेते हैं कि, तो वो खाली अकेला आदमी पूरा काम करके चल जाता है कम पैसों में। तो क्या वो हलाल हो गया? वो नहीं, इसलिए कि म्यूज़िक है, वो अल्लाह के जिक्र से आपको दूर कर रही है चाहे इंस्ट्रूमेंट दिख नहीं रहे हो। तो ये हीले है याद रखिए, हीले नहीं चलेंगे।